आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बिहार, स्थापना दिवस मनाएंगे। कौन सा स्थापना, छोड़ दिवस होगा, क्या होगा स्थापना दिवस? लेकिन सिर्फ आकर करके उद्घाटन करना और शिलान्यास करना यही काम नहीं रह जाता प्रधानमंत्री। तो उस दिन देखेंगे ना, जरूरत होगी तो हमारी छात्र और युवा इकाई उस दिन घेराव करेंगे हम लोग की, बिहार को दो विशेष राज्य विशेष पैकेज। देश के प्रधानमंत्री जी देश भर भ्रमण करने का उनका अधिकार भी है और वो करना भी चाहिए और वो करते भी है। लेकिन सिर्फ आकर करके उद्घाटन करना और शिलान्यास करना यही काम नहीं रह जाता प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का भी काम है कि जहाँ जाएँ वहाँ की समस्याएँ और वहाँ के लोगों के दुख को भी समझने का काम और उसका भी देखने का काम, उसका भी लोकार्पण करने का काम करें। जिस तरह पटना में लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं, गरीबों के झोपड़ियाँ ढाए जा रहे हैं और जिस तरह से सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को जीने पर मजबूर होना, छोड़ दीजिए जीने, मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को भी दुख दर्द को समझना चाहिए। एक बड़ा स्तंभ बना है विधानसभा में और उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन उस स्तंभ का जो मोटो है, जो उसका विचार है, उस विचार का आधार का बिहार है कि नहीं, इसकी भी उनको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बिहार, स्थापना दिवस मनाएंगे। कौन सा स्थापना, छोड़ दिवस होगा, क्या होगा स्थापना दिवस? ये विधानसभा का स्थापना दिवस क्या होगा जो बिहार की दुर्गति है? पहले बिहार की दुर्गति पर बोल उनसे बोलवा लीजिए ना, विशेष राज विशेष पैकेज। उस दिन क्या घोषणा करेंगे बिहार के लिए? क्या अलग से कोई चीज अलॉट होगा? क्या बाढ़ से मुक्ति होगी जो अभी पूरा का पूरा कोसी सीमांचल मिथिलांचल पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित है और अंग देश? तो उस दिन देखेंगे ना, जरूरत होगी तो हमारी छात्र और युवा इकाई उस दिन घेराव करेंगे हम लोग की, बिहार को दो विशेष राज्य विशेष पैकेज। लड़ाई जिस दिन वो आएंगे, पुलिसिया राज है, पुलिसिया राज, ये पुलिसिया राज है, गुंडा राज है कि पुलिसिया राज है? पुलिसिया राज है, पुलिस में गुंडा है, पुलिस में बिना आश्रु पानी के फब्बारा के, बिना आश्रु गैस के आते ही लाठी चार्ज किस कानून के तहत इन्होंने किया? इन्होंने अलाउंस, पहले आपने चेतावनी क्यों नहीं दी? उसके बाद आपने पानी का फब्बारा क्यों नहीं चलाया? उसके बाद आपने आंसू गैस क्यों नहीं चलाया? किस के ऑर्डर से आपने लाठी चलाई? इसके लिए हम लोग केस करेंगे कोर्ट में एसडीओ डीएसपी पर। यहाँ के टाउन डीएसपी और कुछ लोग ज्यादा मनचले हो गए हैं, ये सबको एक घाटी में समझते हैं कि डर जाएंगे। हमसे कह रहे थे जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मारा 40 लाठी, राष्ट्रीय महासचिव को, छात्र अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को, हमारे कई साथी घायल हुए और आते ही महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे, बिना किसी सीआरपीसी कानून के तहत लाठी चलाया। आनन फानन में नेपाली नगर के सारी जिंदगी के सपने छीने हैं, जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। और हम डिमांड करेंगे कि सारे अफसर से पैसा वसूल के पब्लिक को दिया जाए, पूरा डिमांड होगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी
और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।